everyone, I hope you all are safe and sound, taking all the COVID measures and regularly studying for your exams. क्योंकि हमें exams में बहुत अच्छे number लाने हैं. अब question आता है, हम अच्छे number ला कैसे सकते हैं? Then of course, Unacademy is the solution because Unacademy is the largest learning platform in India. And if you learn from Unacademy, the marks तो अच्छे अपने आप ही आने हैं. Because with Unacademy, you can ace all your exams. मैथ्स का एग्जाम हो, साइंस का एग्जाम हो, एसएसटी का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी क्लास का हो, या फिर कोई कंपेटिटिव एग्जाम हो. इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम्स, देन ऑफ कोर्स आपको अनअकैडमी से ही पढ़ना पड़ेगा. क्यों पढ़ना पड़ेगा? बिकॉज अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स होते हैं, दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया. सिर्फ आप टॉप एजुकेटर्स से पढ़ते नहीं, बट आप टॉप कंटेंट पढ़ते हैं. एंड व्हेन यू लर्न द बेस्ट एंड व्हेन यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, देन ऑफ कोर्स मार्क्स तो अपने आप ही अच्छे आएंगे ही आएंगे. इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड यू स्टार्ट लर्निंग ऑन द अनअकैडमीज ऐप, तो आपको अनअकैडमी पूरा स्टडी मटेरियल देगी. आपके डेली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज होंगे, क्विज होंगे, जिससे आपका जो सिलेबस है वो बार 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 रिवाइज होता चला जाएगा. इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन यू गेट अ मेंटोर जो आपको एकदम फ्रेंड के जैसे आपकी सारी यू नो गाइडेंस देगा. कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हो और कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी गाइडेंस आपको वन टू वन एज अ फ्रेंड कम मेंटोर से मिलेगी अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं. इसके अलावा यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस. आपको किसी भी ट्यूशन टीचर की यू नो घर पे नहीं जाना, किसी भी इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी इतनी दोपहर में गर्मी में सर्दी में कहीं नहीं जाना है. आप घर में बैठे बैठे आराम से किसी भी यू नो कम्फर्टेबल पोज में पढ़ सकते हैं. एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस. आप जब फ्री हैं, जिस यू नो रूम में फ्री है, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में यू नो हमारी इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है कि यू नो शांति का माहौल मिलना बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने रूम में कहीं भी जाके आराम से पढ़ सकते हैं. यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस. आप किसी और के घर में अपने रिलेटिव के नानी वगैरह के भी जाते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. बट आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या होगा, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमीज लर्नर्स ऐप. उस ऐप को आप अगर डाउनलोड कर देंगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन. और सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाके आपको जो पैकेज लेना है, जो कोर्स के अकॉर्डिंग आपके लिए कन्वीनियंट है, आप वो पैकेज ले सकते हैं. अब एक और एडवांटेज की बात सिर्फ आपके लिए, और वो ये है कि जब आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो उन सब्सक्रिप्शन पे अगर आपको रेट और कम करवानी हो पैकेजेस की, तो आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड, दैट इज PJAIN10, विच इज ऑल्सो मैंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है. जी हाँ, फ्लैट 10% ऑफ, सीधा 10% का डिस्काउंट मिलता है इफ यू यूज माई कोड PJAIN10 ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी. हम अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन, इनके प्राइस, सारे बेनिफिट्स, फीचर्स के बारे में डिटेल में भी बात करने वाले हैं, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. सो स्टे ट्यून, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. आपके पास तो फिर एडवांटेज ही एडवांटेज है. कैसे आप यू नो अपनी परफॉर्मेंस विद इन अ वीक इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो वीडियो है पूरा एंड तक देखना है, बीच में जो मैं चैप्टर समझाऊंगी वो अच्छे से समझना है, एंड फिर आपके तो फायदे ही फायदे हैं. ये बात हुई अनअकैडमी की. अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी. सो माई नेम इज प्रतीक्षा जैन. आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी. आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7 एंड आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो अब अनअकैडमी की भी बात हो गई, मेरी भी बात हो गई, आपने अपने एजुकेटर को जान लिया. तो अब हम वापस अपने चैप्टर पे आते हैं. तो पहले वाले वीडियो में मैंने ये जो चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, उसका सिर्फ एक पार्ट, आधा चैप्टर कवर किया था.
बट इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर है इसका बचा हुआ हाफ पार्ट कवर करूंगी, दैट इज पार्ट टू। तो ये चैप्टर बेसिकली दो वीडियोज में डिवाइडेड है। पहले वाले वीडियो में जो हमने बताया था उसके एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दैट यू नो ओवर टाइम अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव कम इन द वर्ल्ड, लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं। ऐसे ही हमने देखा था कि कैसे लैंग्वेज में कैसे वर्ड्स के पहले कुछ वर्ड्स के क्या मीनिंग थे और आज उन वर्ड्स के क्या मीनिंग है। तो हमने एग्जाम्पल लिया था हिंदुस्तान और फॉरेनर का। सो हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग 13th सेंचुरी में क्या था, 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड को कैसे इंटरप्रेट किया था, और आज जब हम ये टर्म यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग है। सो हमने देखा था कैसे वर्ड्स के मीनिंग ओवर द ईयर्स चेंज हो चुके हैं। सेम वॉज द केस विद फॉरेनर, फॉरेनर का पहले के टाइम पे क्या मीनिंग होता था और आज के टाइम पे क्या मीनिंग है हमने बहुत अच्छे से जाना। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो यानी कि हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमने ये भी देखा कि हिस्टोरियंस क्या सोर्सेज यूज करते हैं पास्ट इवेंट्स हिस्ट्रीज को जानने के लिए। सो सम ऑफ द सोर्सेज विच दे यूज टू स्टडी द टाइम पीरियड बिटवीन 700 एंड 1750, दो सोर्सेज इंक्लूड कॉइन्स, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, हाउ दे आर हेल्पफुल फॉर द हिस्टोरियंस, कैसे हिस्टोरियंस को इतनी सारी डिटेल्स मिल जाती है मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके अलावा हमने देखा कि ये जो टाइम पीरियड था मिडिवल हिस्ट्री का, यानी कि 700 ईयर से लेके 1750 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आए, कैसे नए नए ग्रुप्स यू नो हमारे सामने आए, ये सब हमने देखा था लास्ट वीडियो में। इसके अलावा हमने देखा था जाति कैसे फॉर्म होती है, जाति पंचायत का क्या काम होता है, क्यों जाति पंचायत फॉर्म होती है, जाति के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनते हैं, और कौन कौन से सोशल ग्रुप्स इमर्ज हो गया है, जैसे राजपूत थे, राजपूत के अलावा मराठा, अहोम्स, कायस्थ, ये सारी कम्युनिटीज कैसे पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनी, सोशली इंपॉर्टेंट बनी, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में अब हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द टॉपिक रीजन एंड एम्पायर, यानी कि पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इसमें जो अलग अलग रीजन्स थे, उन रीजन्स पे कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया, कौन कौन से रूलर्स आए, कौन कौन से किंग्स हुए, कौन सी डायनेस्टीज आई, वो सब हम पढ़ेंगे। तो पहले के टाइम पे बहुत बड़े बड़े स्टेट्स होते थे, जैसे आज के टाइम पे तो हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, एरिया ज्योग्राफिकली डिवाइडेड है, बट पहले के टाइम पे और ज्यादा बड़े स्टेट्स होते थे। और उन स्टेट्स पे कौन रूल करता था, सो चोला डायनेस्टीज थी, तुगलक डायनेस्टी थी, मुगल डायनेस्टी थी, मुगल एम्पायर था। तो ये जो एम्पायर्स थे, बड़े बड़े एम्पायर्स थे, पहले के टाइम पे एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई। प्रशस्ति का मतलब होता है, प्रशस्ति इज बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन पोयम, जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं, जो एम्पायर्स होते हैं, उनकी तारीफ की जाती है। सो द रूलर्स एंड देयर प्रिंस द फैमिलीज आर प्रेज्ड। हिंदी में प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। सो आप ऐसे याद कर सकते हो, प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा। तो प्रशस्ति में क्या होगा, राजाओं की प्रशंसा, राजाओं की तारीफ वगैरह। तो ऐसे ही संस्कृत में एक प्रशस्ति थी जिसमें दिल्ली के एक सुल्तान यानी कि घियासुद्दीन बलबन की बहुत तारीफ की गई थी। अब घियासुद्दीन बलबन के बारे में संस्कृत प्रशस्ति में एक्सप्लेन किया गया दैट घियासुद्दीन बलबन वॉज अ डेली सुल्तान हु रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया। सो ही रूल्ड ओवर बंगाल इन द ईस्ट till Ghazni in Afghanistan and he also ruled over entire southern India. यानी कि कितने बड़े एरिया पे इन्हें रूल किया कि ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट तक अफगानिस्तान, कितना बड़ा एरिया है ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट में अफगानिस्तान, प्लस जितना भी साउथ इंडिया था वो भी कवर था। तो ये जो पूरा एरिया था इन पे गियासुद्दीन बलबन ने रूल किया, ऐसा ही संस्कृत प्रशस्ति में लिखा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डायनेस्टीज थी, बहुत सारे एम्पायर्स थे जो अलग अलग रीजन पे रूल करते थे,
तो ऐसी ही डायनेस्टीज थी, चोला डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड मुगल डायनेस्टीज, जिन्होंने अपने बड़े बड़े एम्पायर बनाए, पूरा एम्पायर बनाए, और इतने बड़े इनके एम्पायर से दैट इट हैड द कैरेक्टर ऑफ पैन रीजन। पैन रीजन का मतलब होता है यानी कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, ऑलमोस्ट पूरा सब कॉन्टिनेंट इन लोगों ने कवर कर लिया था, एंड दे रूल्ड ओवर द एंटायर कॉन्टिनेंट, एंटायर सब कॉन्टिनेंट, यानी कि पूरा जो इंडिया था, पूरे इंडिया पे ऑलमोस्ट इन्हीं का रूल था, उसको कहते हैं पैन रीजनल। पैन रीजनल बेसिकली रूलिंग ओवर मेनी एरियाज, मेनी रीजन्स। तो ऐसे ही जितनी भी डायनेस्टीज हुई, चोला एम्पायर, खलजीज एम्पायर, तुगलक एम्पायर या फिर मुगल एम्पायर, ये बड़े बड़े एम्पायर होते थे जो पूरे बहुत बड़े एरिया पे रूल करते थे। बट 18th सेंचुरी में क्या हुआ, द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, यानी कि जो मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा था, पूरे इंडिया को मुगल्स ने रूल करते थे पूरे इंडिया पे, बट 18th सेंचुरी में देयर रूल स्टार्टेड यू नो मिनिमाइजिंग, देयर रूल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग। इतना पहले जो पूरे इंडिया पे एम्पायर था, पूरे इंडिया पे जो ये लोग यू नो रूल कर रहे थे, बट 18th सेंचुरी में ये रूल उनका कम होने लग गया। जैसे ही मुगल एम्पायर खत्म होने लगा, तो जब ये लोग यू नो पहले इंडिया में जब ये एम्पायर रूल जो था, अलग अलग डायनेस्टीज के अलग अलग एम्पायर थे, उससे पहले इंडिया में अलग अलग स्टेट्स थे, बट यू नो ग्रेजुअली फिर ये डायनेस्टीज आई और इन्होंने अपने एम्पायर बनाने लगे। बट जैसे ही मुगल एम्पायर खत्म हुआ, तो ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, दे स्टार्टेड री इमर्जिंग, ये वापस से जो स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स बनने लगे। बट क्या हुआ, स्टेट्स तो बनने लग गए, बट इतने सालों तक इन पे एम्पायर रूल था, इतने बड़े बड़े एम्पायर रूल कर रहे थे, मुगल एम्पायर रूल कर रहे थे, तुगलक एम्पायर थे, चोला एम्पायर थे। तो क्या हुआ, जब मुगल एम्पायर का रूल कम होने लग गया, तो फिर से नए नए स्टेट्स बनने लग गए पूरे कंट्री में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में। अभी स्टेट्स तो बन गए, बट कुछ इन स्टेट्स की जो आदतें थी ना, वो एम्पायर रूल जैसी ही थी, यानी कि नए स्टेट्स बन गए, बट इनमें जो गवर्नेंस थी वो पहले जैसी ही थी, जो इकोनॉमी का जो मैनेजमेंट था वो मुगल एम्पायर में जैसा होता था वैसा ही था, जो कल्चर था वैसा कि वैसा ही कल्चर भी सेम रहा। तो भले ही बड़े और छोटे स्टेट्स बनने लगे, बट दे हैड अ वेरी सिमिलर कैरेक्टर टू द पैन रीजनल एम्पायर्स विच वर एग्जिस्टिंग जस्ट बिफोर द इमर्जेंस ऑफ द स्टेट्स। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि रीजन एंड एम्पायर तो हमने देख लिया कि अलग अलग रीजन में अलग अलग एम्पायर से, एम्पायर रूल के बाद वापस से स्टेट्स बनने लग गए, बट स्टेट्स का कैरेक्टर समवॉट वाज सिमिलर टू द एम्पायर में, जैसी जैसी गवर्नेंस होती थी, जैसा कल्चर एम्पायर के टाइम था वैसे ही वापस स्टेट के टाइम पे भी आया। अब हम बात करेंगे रिलीजन। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस चैप्टर में बेसिकली हम एक टाइम पीरियड पे फोकस करते हैं, दैट टाइम पीरियड इज 700 ईयर्स से लेके 1750 ईयर्स, यानी कि इन हजार सालों में क्या क्या चेंजेस आए। देन ऑफकोर्स आजकल 5-10 साल में इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे तो हम पूरा एक 1000 ईयर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो कितने सारे चेंजेस आए होंगे, हर जगह हर एस्पेक्ट में ही चेंजेस आए होंगे। तो ऐसे एक और एस्पेक्ट था जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए, एंड दैट वॉज रिलीजन। पहले हम ये समझते हैं कि रिलीजन का मतलब क्या होता है, राइट? सो रिलीजन बेसिकली इज कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी, यानी कि कलेक्टिव बिलीफ, बहुत सारे लोगों का किसी एक सुपर नेचुरल एजेंसी पे बिलीफ होना, उन पर विश्वास करना, उसे कहते हैं रिलीजन। तो अब बात आती है सुपर नेचुरल एजेंसी क्या है। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं, तो हमारे जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, ऑल आर गॉड्स एंड गॉडेसेस आर लॉर्ड्स, ऑल ऑफ देम हैव सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि हम जो भी रिलीजन पे बिलीव करता है, दे बेसिकली बिलीव इन दैट यूनिवर्सल पावर, कि एक यूनिवर्स में ऐसी पावर है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव फुल बिलीफ ऑन देम, यानी कि हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस, हमारे यू नो लॉर्ड्स, इन सब पे बिलीफ होना। सो जब ये बिलीफ
कलेक्टिव बिलीफ बन जाता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान का बिलीफ नहीं होना, दो लोगों का बिलीफ नहीं होना, 50 लोगों का बिलीफ नहीं होना, जब बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स का किसी पर्टिकुलर ऐसे गॉड या गॉडेस पे बिलीफ होता है, दैट दे हैव यू नो दे आर वेरी स्ट्रांग, दे हैव सुपरनैचुरल पावर्स, जब ऐसा कोई बिलीफ होता है तब बनता है रिलीजन। अब ये जो टाइम पीरियड था मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि 700 ईयर से लेके 1750, ये जो 1000 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, जो हम इस चैप्टर में और आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में इस पीरियड को पढ़ने वाले हैं, तो इस टाइम पे रिलीजन में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो पहले हम बात करेंगे हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या थे? तो इस टाइम पे नए नए गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा होने लगी, यानी कि पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग न्यू डेटीज, डेटीज यानी गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये टाइम था जब बहुत सारे नए नए हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा होने लगी। इसके अलावा इस टाइम पे जितने भी रॉयल फैमिलीज थी, यानी कि जितने भी राजा महाराजा थे, उन लोगों ने बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया, बहुत सारे मंदिर बनाए। जितने भी मंदिर आज हम देखते हैं जो बहुत पुराने हैं, यू नो बहुत प्राचीन मंदिर हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज 700 से लेके 1750 तक बहुत सारे टेम्पल्स रॉयल फैमिलीज ने कंस्ट्रक्ट कराए। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड के बीच में जो ब्राह्मण्स हैं और जो प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी हैं, पंडित होते हैं मंदिर के, इस टाइम पीरियड में ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज ब्राह्मण्स को सारे संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज थी, राइट? सो संस्कृत टेक्स्ट ब्राह्मण्स को नॉलेज थी, प्रीस्ट को नॉलेज थी, तो अब इतने सारे मंदिर बनने लगे, तो ऑफकोर्स बहुत कॉमन सी बात है, जितने भी ब्राह्मण्स हैं प्रीस्ट हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, बिकॉज मंदिर के अंदर एक पंडित एक पुजारी होना ज़रूरी है, राइट? सो ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट की जितनी इम्पोर्टेंस थी वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बन गई, एंड दे बिकेम अ वेरी इम्पॉर्टेंट, सोशली इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। तो ये रिलीजन, ये चेंजेस आए थे हिंदुइज्म में। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, बिकॉज ब्राह्मण्स को संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज थी, जितने भी संस्कृत में वेद लिखे गए थे और भी कोई जो संस्कृत में टेक्स्ट लिखी गई थी, तो ब्राह्मण्स को संस्कृत पढ़ना आता था। अब क्योंकि उनको संस्कृत पढ़ना आता था, तो जितने भी पहले के टाइम पे टेक्स्ट लिखे गए वो सारे ब्राह्मण्स को उनका मीनिंग क्या था उनको यू नो डिकोड करना आ गया था। सो ब्राह्मण्स अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स थे, दे गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेल्दी पीपल इन द सोसाइटी, फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द सोसाइटी, यानी कि जो राजा महाराजा थे या फिर उस टाइम के जो बहुत यू नो रिच बिजनेसमैन थे, बिजनेस पर्सन थे, बिजनेस फैमिलीज थी, सॉरी, उन लोगों ने ब्राह्मण्स को बहुत सपोर्ट किया। ये जो लोग थे जिन्होंने ब्राह्मण्स को सपोर्ट किया, उन्हें कहते हैं पेट्रंस। पेट्रंस बेसिकली ऐसे इन्फ्लुएंशियल या वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, क्राफ्ट पर्सन को सपोर्ट करते हैं, या फिर सिंगर्स, डांसर्स, इन लोगों को जो अमीर लोग, जो वेल्दी इंडिविजुअल सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है पेट्रंस। तो ऐसे ही ब्राह्मण्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट ग्रुप बनते गए बिकॉज दे हैड फुल सपोर्ट फ्रॉम देयर पेट्रंस, यानी कि जितनी भी इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी इंडिविजुअल्स थे उनका फुल सपोर्ट था ब्राह्मण्स के लिए। ये जो टाइम पीरियड है ये एक और कारण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज इस टाइम पीरियड में जो भक्ति थी, इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। अब क्वेश्चन आता है भक्ति क्या होती है? तो उस टाइम के लोगों ने सोचा कि हमारे यू नो हम ऐसा कुछ धर्म करते हैं जिससे हमें ये पंडित पुजारी ये जो प्रीस्ट है उनकी जरूरत ना पड़े, और हमारा कुछ ऐसा धर्म हो, ऐसा रिलीजन हो जिससे हम भगवान को याद करें और सीधा कनेक्शन भगवान से हो जाए। उस आइडिया को कहा गया भक्ति। सो भक्ति इज बेसिकली दिस आइडिया दैट अ पर्सनल डिवोटी, देयर शुड बी अ पर्सनल डेटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट। लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी यू नो डेटी होनी चाहिए, ऐसे भगवान या ऐसे यू नो गॉडेस होनी चाहिए जिनसे हम जितने भी भक्त हैं, डिवोटीज हैं, वो सीधा सीधा यू नो
सीधे सीधे रीच कर सके, और किसी भी पंडित की, पुजारी की, या फिर यज्ञ हवन जो रिचुअल्स होते थे उस टाइम पे, इतने बड़े बड़े रिचुअल्स की जरूरत ना पड़े और सीधा भगवान से कनेक्शन हो जाए। इस आइडिया को कहते थे भक्ति। तो भक्ति अगर किसी टाइम पीरियड में इमर्ज हुआ तो वो यही मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड था, यानी 700 ईयर्स से लेके 1750 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें भक्ति का जो आइडिया था वो भी इमर्ज हुआ। इसके अलावा बहुत नए नए रिलीजन भी सब कॉन्टिनेंट में आने लगे, और ऐसा ही एक रिलीजन जो 17th century में बाहर के लोगों से, जो माइग्रेंट्स यानी कि जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए, ऐसे मर्चेंट, ऐसे माइग्रेंट्स कुरान की टीचिंग्स अपने साथ लेकर आए। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 17th century में कौन सी नई टीचिंग्स इंडिया में आई, या फिर कुरान जो है इंडिया में कब आई, तो आप लिखेंगे 17th century में कुरान आई। और कौन लोग लेकर आए? मर्चेंट्स, मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स। मर्चेंट्स यानी कि जो बिजनेस करते थे लोग, वो एक देश से दूसरे देश जाके बिजनेस करते थे, या फिर कोई दूसरी कंट्री के लोग जो यहाँ आके सेटल हुए उनको माइग्रेंट्स कहते हैं, और जो बिजनेस करते थे उनको मर्चेंट्स कहते हैं। तो ऐसे ही 17th century में बहुत सारे माइग्रेंट्स, बहुत सारे मर्चेंट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, एंड दे ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ कुरान विद देम। अब कुरान में क्या था, जितने भी मुस्लिम्स थे दे रिगार्डेड कुरान एज देयर होली बुक, यानी कि जितने भी मुस्लिम्स थे और आज के टाइम पर भी जितने भी मुस्लिम्स हैं हमारी कंट्री में, दे रिगार्ड कुरान एज अ वेरी होली बुक, बहुत पवित्र बुक कुरान को ये सारे मुस्लिम्स मानते हैं। और कुरान में बेसिकली ये कहा गया है, एंड ऑल द मुस्लिम्स एक्सेप्ट दिस सेइंग दैट यूनिवर्स में एक गॉड है एंड दैट इज अल्लाह, एंड हुएवर believes in Allah, whoever believes in the power of Allah, Allah उन सब पे अपना लव, अपनी मर्सी बरसाते हैं abundantly. So Muslims regard Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God. एक God की ताकत को वो लोग मानते हैं, and that one God is Allah. And they believe that whoever believes in the power of Allah, Allah embraces his love, his mercy, and his blessings on all those people who believe on the power of Allah. ऐसा कुरान में कहा गया है और सारे मुस्लिम यही मानते हैं। अब जैसे हिंदुइज्म को हम बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वैसे ही इस्लाम यानी कि जो मुस्लिम्स का धर्म है उसको इस्लाम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो लोग कुरान पे विश्वास रखते हैं उन लोगों का जो धर्म होता है उसको इस्लाम कहा जाता है। ऑल दोज फॉलोअर्स हु बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ अल्लाह, हु बिलीव, हु रिस्पेक्ट द होली बुक कुरान, फॉलो अ रिलीजन विच इज नोन एज इस्लाम। तो अब इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, और कौन इन लोगों को इंटरप्रेट करते हैं, तो इस्लाम को बेसिकली, इस्लाम में दो टाइप के मुस्लिम्स हैं, दो टाइप के मुस्लिम्स इस्लाम को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो पहले है शिया मुस्लिम एंड दूसरे है सुन्नी मुस्लिम, दीज आर टू टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स। तो शिया मुस्लिम्स क्या मानते हैं, शिया मुस्लिम्स बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे, यानी कि अली, प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ वॉज अली। तो जितने भी मुस्लिम्स प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ पे विश्वास करते हैं एंड दे बिलीव दैट अली वॉज देयर लेजिटिमेट लीडर, ऑल दोज मुस्लिम्स आर टर्म्ड एज शिया मुस्लिम्स। एंड जो मुस्लिम्स खलीफाज यानी कि अपने अर्ली लीडर्स खलीफाज या खलीफा कम्युनिटी को बिलीव करते हैं, उनकी सुप्रीमेसी पे बिलीव करते हैं, ऑल दोज मुस्लिम्स आर नोन एज, आर टर्म्ड एज सुन्नी मुस्लिम्स। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स, शिया मुस्लिम्स अली पर बिलीव करते हैं एंड सुन्नी मुस्लिम्स खलीफा कम्युनिटी पे, खलीफा लीडर्स पे बिलीव करते हैं। सो दीज आर द टू वेज इस्लाम इज इंटरप्रेटेड बाय इट्स फॉलोअर्स। आई होप आपको हिंदुइज्म में क्या क्या चेंजेस आए, इस्लाम में कैसे कैसे चेंजेस आए, और इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स वो कैसे इस्लाम को इंटरप्रेट करते हैं, आई होप आपको ये क्लियर होगा। Now we come towards the last part of this chapter and that is time and historical period. तो जैसा कि हमने जैसा कि मैंने बताया, पिछले वीडियो में भी बताया और इस वीडियो में भी बताया, that basically we are focusing on one
पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हम फोकस कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है, 700 ईयर्स से लेके 750 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है, जो 700 ईयर्स से लेके 750 तक का बीच का जो 1000 ईयर्स का जो ये टाइम पीरियड है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसे हम मिडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं। अब 19th सेंचुरी में, जैसा आप लोगों को पता है, 19th सेंचुरी में हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए एंड दे यू नो एस्टैब्लिश देयर ब्रिटिश एम्पायर। पूरे इंडिया में हर तरफ ब्रिटिश एम्पायर ने अपना यू नो एस्टैब्लिश कर लिया था। तो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, यानी कि जो ब्रिटिश यू नो पीपल थे, जो हिस्ट्री पढ़ते थे, वो लोग थे ब्रिटिश हिस्टोरियंस। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को तीन पीरियड्स में डिवाइड किया। पहला था हिंदू पीरियड, यानी कि ये जितने भी हिंदू डायनेस्टीज आए, जितने भी हिंदू रूलर्स थे, वो सब जो पीरियड था हिंदू पीरियड कहलाया। उसके बाद मुस्लिम्स सब कॉन्टिनेंट पे आए, तुगलक डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई, मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, ये सारे थे मुस्लिम्स यानी कि इस्लाम के फॉलोअर्स। तो पहले का जो फर्स्ट टाइम पीरियड ब्रिटिशर्स ने डिस्क्राइब किया, पहला पीरियड उन्होंने हिंदू बताया, सेकंड पीरियड था मुस्लिम्स, एंड थर्ड पीरियड इन लोगों ने कहा ब्रिटिशर्स। तो ऐसे तीन पीरियड में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। ये डिविजन बेसिकली जो इंडिया में जो जितने भी रूलर्स हुए हैं, जितने भी राजा महाराजा थे, उनके रिलीजन के बेसिस पे ये सारा डिविजन हुआ। तो पहले सबसे पहले हिंदू रूलर्स थे, क्षत्रिय रूलर्स थे, हिंदू राजा थे। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर आया, तो मुस्लिम रूलर्स हुए, मुस्लिम मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, एंड फाइनली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने पूरे इंडिया पे रूल किया, और ब्रिटिशर्स ने यू नो अपना एक एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये जो तीन पार्ट्स में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने यू नो हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है, this division was based on the idea that religion of rulers was the only important historical change. ये जो British historians थे, इनने ऐसा सोच लिया, इन्होंने ऐसा मान लिया कि you know सिर्फ जो rulers पहले के time पे India में हुए हैं, whether they are Hindu rulers या फिर जो Muslim rulers आए, सिर्फ एक यही important change हुआ, rulers के religion के अलावा India में कुछ नहीं बदला, जो कि बहुत ही गलत उनकी ये thought process था। बिकॉज रूलर्स जैसे जैसे आए, अलग अलग कल्चर इंडिया में आया, अलग अलग टेक्नोलॉजीज इंडिया में आई, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट्स आए, अलग अलग रिलीजन आए, जो ये हमने ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में देखा है कि कैसे अलग अलग यू नो किंग्स आए, उनकी डायनेस्टीज हुई, उनके रूल्स कैसे अलग अलग हुए। तो सिर्फ ये मान लेना कि हिस्ट्री को डिवाइड कर दो कि जो राजा हुआ उनके धर्म के बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड कर दो, दैट इज़ द वेरी शैलो आइडिया जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस का था, और उनको लगा यही आइडिया बहुत सही है कि जैसे राजा हुए हैं, जिस टाइप के राजा हुए हैं, उनके रिलीजन, उन राजाओं का क्या जो भी रिलीजन था, उसके बेसिस पे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दो। बट देर वर अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट हैपेंड अलॉन्ग विद द रिलीजन ऑफ द रूलर्स। अलग अलग राजाए, उन्हें अलग अलग काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स हुए, अलग अलग टाइप से जो सब कॉन्टिनेंट इंडियन जो इकोनॉमी थी वो फ्लरिश होती गई या फिर कम होती गई। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कंसिडर नहीं करी थी, एंड दिस स्ट्रेट अवे डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। एंड आज के टाइम में भी बहुत सारे जो आज के प्रेजेंट डे मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे लोग इस डिवीजन पे आज भी बिलीव करते हैं, एंड दे फॉलो दिस डिवीजन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। सो सच अ डिवीजन बेसिकली इग्नोर्ड ऑल द रिच डाइवर्सिटी दैट वाज प्रेजेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिशर्स ने जो हमारी जो रिच डाइवर्सिटी थी, हमारे जो रिच कल्चर्स थे, उनको तो डिवीजन में कंसिडर नहीं किया, और उन्होंने सीधा सीधा जितने भी रूलर्स हुए हैं उनके रिलीजन के बेसिस पे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में। सो दैट ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर वॉज कम्प्लीटेड इन 2 वीडियोज। फर्स्ट पार्ट में हमने हाफ ऑफ द चैप्टर को कवर किया था, एंड इस वीडियो में हमने बचे हुए हाफ ऑफ द चैप्टर को कवर किया है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर होंगे, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
एंड अब आपके एक और फायदे की बात, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था यू नो कि हम धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड जैसे ही हम पहुंचेंगे वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एंड ऑल द बेनिफिट्स दैट यू गेट एज अ व्यूअर एज अ स्टूडेंट ऑफ अन अकेडमी. सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस की क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो अगर आपको अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस लेनी है एज द नेम सजेस्ट ये क्लासेस बिल्कुल ही फ्री होती है. अब क्वेश्चन आता है कि ये क्लासेस फ्री तो होती है मैम, हमें ये क्लासेस भी अटेंड करना है, बट मैम हम कहाँ पे इन क्लासेस को अटेंड करें. तो इफ यू वांट टू अटेंड द स्पेशल क्लासेस ऑफ अन अकेडमी तब आपको अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एंड वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस की फ्री क्लासेस चलती रहती है. तो आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो आप अन अकेडमी के ऐप पे फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं. इन स्पेशल क्लासेस के लिए आपको किसी भी टाइप का कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीज क्लासेस आर टोटली फ्री. अब इन क्लासेस में क्या फीचर्स होते हैं, तो जैसे मान लो कि ये वीडियो आपने देखा और इस चैप्टर में बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ डाउट्स हुए, बट आप वो डाउट्स मुझसे पूछ नहीं सकते बिकॉज दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो, राइट. तो अगर आपको मुझसे इंटरैक्ट करना है, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे वैसे आपको अपने डाउट्स पूछने हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस में. आप मुझसे रियल टाइम में इंटरैक्ट कर सकते हैं, यू नो वी कैन गेट टू नो ईच अदर. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो. स्पेशल क्लासेस में अलग अलग टाइप के क्विज होते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, एकदम केबीसी वाली फीलिंग होती है, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग देयर इज नो मिस्टर अमिताभ बच्चन, बट यू द क्विज इज कंडक्टेड बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी. तो बहुत मजा आता है स्पेशल क्लासेस में बिकॉज एकदम यू नो क्लास वाला माहौल बन जाता है जहाँ पे टीचर आपसे इंटरेक्ट कर रही है, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो. सो बहुत मजा आता है. इनफैक्ट आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, टीचर आपसे एजुकेटर आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है एंड इसके अलावा आप ये जो क्लासेस है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ यू नो अटेंड कर सकते हो. आप अपने क्लासमेट्स को लेकर आओ, अपने बैचमेट्स को लेकर आओ, अगर आपकी कोई सेम एज का कजिन है, भाई बहन है, उनके साथ पढ़ाई करो क्योंकि आप इन क्लासेस पे यू नो खुद की परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस भी कंपेयर कर सकते हो. तो आप ये देख सकते हो कि एजुकेटर ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने क्या आंसर दिया और आपके फ्रेंड्स ने क्या आंसर दिया, आपका आंसर सही था या उनका आंसर सही था या आप दोनों के आंसर गलत थे. तो यू नो एक कंपेटिटिव फीलिंग भी आती है, आप बहुत फन तरीके से कंपटीशन हो सकता है आप में और आपके फ्रेंड्स में. तो बहुत यू नो समझने में सीखने में बहुत मजे आते हैं. तो अगर आपको यू नो पढ़ाई एकदम फन मैनर में करनी है देन हेड ऑन टू द स्पेशल क्लासेस. और सबसे बड़ा बेनिफिट इन क्लासेस का यही है कि आपको यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, आपको एक रुपए भी इन क्लासेस के लिए नहीं पे करना है, दीज आर टोटली फ्री. अब बात आती है सब्सक्रिप्शन की. अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल है. ये बेनिफिट्स क्या है, तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. आप घर में बैठे बैठे किसी भी टाइम पे किसी भी घर के किसी कोने में कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है. इसके अलावा यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, यानी कि अगर आप एक बार अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो यू नो आपको जो कोर्स पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, साइंस पढ़नी हो, जो कोर्स पढ़ना हो, आप अनलिमिटेड बहुत सारे कोर्सेज एक टाइम पे पढ़ सकते हैं. और फिर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. अन अकेडमी पे जितने भी एजुकेटर्स होते हैं दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कोर्सेज. तो पढ़ने में बहुत मजा आता है बिकॉज यू गेट टू लर्न द बेस्ट एंड यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट. इसके अलावा अन अकेडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं. इसके अलावा आपका जो सिलेबस है वो बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाता है और बार बार प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, MCQs होते हैं, यानी कि आप अपनी प्रोग्रेस को बार बार चेक कर सकते हैं और आपका जो कोर्स है, जो सिलेबस है वो भी बार बार रिवाइज होता जाता है. इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था, मेंटोर की गाइडेंस आपको मिलती है. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको एकदम एक फ्रेंड जैसा मेंटोर मिलेगा
जो आपके जितने भी करियर रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर आपकी किसी भी टाइप के डाउट्स है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, मेरा एप्टीट्यूड कैसा है, मेरे पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा करियर लेना चाहिए, या फिर मैं कैसे अपने रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मेंटर्स आपके लिए सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा अनअकैडमी पे आपको स्टडी मटेरियल भी अनअकैडमी ही देगी, यानी कि जो भी कोर्स आप पढ़ते हैं, जितने भी सारे कोर्स आप पढ़ते हैं, उनका जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं, बुकलेट्स हैं या कोई भी प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट है, तो पूरा स्टडी मटेरियल अनअकैडमी आपको देगा। इतनी मेहनत आज के टाइम पे सिर्फ आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए कौन करता है, तो सिर्फ अनअकैडमी करती है। और अगर आपको अपने रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने हो, तो आपको लेना पड़ेगा अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के प्राइस आपकी स्क्रीन पे है। पैकेजेस है, 6 मंथ्स का पैकेज है, 12 मंथ्स का पैकेज है, 15 मंथ्स का पैकेज है, 18 मंथ्स का, 24 मंथ्स का पैकेज है। हर पैकेज के अलग अलग प्राइस दिए हुए हैं। और अगर आपको 10% ऑफ चाहिए इन पैकेजेस पे, तो आप अगर ये वाला मोबाइल, ये वाली इमेज देखेंगे मोबाइल पे, तो ये सारी रेट 10% डिस्काउंट के बाद है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था, ये 10% आपको कैसे मिलेगा, तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज मेंशन ऑन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, PJAIN10, अगर आप मेरा ये कोड यूज करेंगे, तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा। यानी कि अनअकैडमी पे तो आपके लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, पहले ही इतनी रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स हैं, और अगर 10% इन पे आपको अवेल करना है, तो रेट्स और कम हो जाएगी, और इन पे 10% कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? जब आप मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज PJAIN10। अब हम बात करते हैं एक और टाइप की सब्सक्रिप्शन की, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है, मान लो आपको दिल्ली टू बॉम्बे ट्रेन से जाना है। अब ट्रेन में अलग अलग कोचेस होते हैं, जनरल कोच होता है, स्लीपर कोच होता है, थर्ड एसी का कोच होता है, सेकेंड एसी का कोच होता है, फर्स्ट एसी का कोच होता है। तभी आपने सोचा कि ट्रेन में, ट्रेन जा तो दिल्ली से बॉम्बे ही रही है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जनरल कोच में बैठोगे तो आप जयपुर पहुंचा दोगे, और थर्ड एसी में बैठोगे तो ट्रेन आपको अहमदाबाद पहुंचा देगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो फिर इसे अलग अलग कोचेस को डिवाइड क्यों किया जाता है, इसे जनरल कोच, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, ये डिविजन क्यों किया जाता है? ये डिविजन पूरा इसलिए किया जाता है, बात आ जाती है कम्फर्ट पे, लग्जरी पे। जनरल कोच में जितने कंफर्ट नहीं होंगे, उससे ज्यादा कंफर्ट थर्ड एसी में होंगे, थर्ड एसी के कोच से ज्यादा कंफर्ट सेकंड एसी के कोच में होंगे, और उससे भी ज्यादा कंफर्ट और लग्जरी होगी फर्स्ट एसी के कोच में। तो बस इसी एग्जांपल को अब हम यहाँ ले आएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे कम्फर्ट ही कम्फर्ट है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो फिर तो फर्स्ट एसी के बेनिफिट सीधे आपको मिलेंगे। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बेसिकली बात इतनी सी है कि प्लस सब्सक्रिप्शन से थोड़े से और ज्यादा आपको बेनिफिट्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। ये क्या बेनिफिट्स हैं? तो पहला बेनिफिट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो पहला बेनिफिट तो ये है कि यू गेट अ पर्सनल मेंटोर। यानी कि प्लस सब्सक्रिप्शन में तो इतने सारे बच्चों को मेंटोर एक साथ, कोई एक मेंटोर मिल रहा था, बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा, जो सिर्फ 1-to-1 पूरा ध्यान आप पे ही देगा, आपको ही गाइड करेगा कैसे आपकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो सकती है, सारी गाइडेंस आपके लिए ही होगी। दूसरा, यहाँ पे आप लाइव अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यानी कि प्लस सब्सक्रिप्शन में तो क्या था, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस थे, यानी कि पूरे वीक में कोई एक दिन होगा जब आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या वीक में 2 दिन होंगे जब आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो, वैसे वैसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, अनअकैडमी आपको पूरी आपकी वीक की परफॉर्मेंस की एक वीकली रिपोर्ट बना के देगा, कि यानी कि
पूरे वीक में आपने कहाँ कहाँ यू नो कैसे इम्प्रूव किया, कहाँ आपकी पूरे वीक में क्या प्रोग्रेस थी, क्या परफॉर्मेंस थी, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप यू नो अपने पूरे वीकली बेसिस का आपका पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या क्या एनालिसिस था, ऐसी पूरी एक रिपोर्ट बना के आपके पूरे वीकली परफॉर्मेंस के एनालिसिस करके आर अकेडमी आपको एक वीकली रिपोर्ट हर वीक देगा। इतनी मेहनत आज के टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर नहीं करते वीकली बेसिस पे कि भाई मेरे बच्चे ने पूरे वीक में कैसी परफॉर्मेंस करी, कैसे उनके यू नो कहाँ कहाँ मेरे बच्चे या बच्ची ने पूरे वीक में कहाँ इम्प्रूव किया कहाँ इम्प्रूव नहीं किया। हमारे पेरेंट्स भी आज के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं करते जितनी अन अकेडमी आपके लिए करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट इम्प्रूव हो। एक और अलग बहुत बड़ा बेनिफिट जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है वो ये है कि बच्चों के डाउट्स तो यहाँ पे क्लियर होते ही होते हैं, लेकिन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके भी सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। हमारे पेरेंट्स को बहुत डाउट्स होते हैं हमारे करियर को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके, जिसके कारण कभी कभी वो हमें यू नो बार बार बोलते भी रहते हैं। बट पेरेंट्स के भी जितने डाउट्स होंगे वो सारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एजुकेटर्स पेरेंट्स के डाउट भी सारे क्लियर करते हैं, यानी कि पेरेंट्स के भी एक पेरेंट्स और एजुकेटर का कनेक्ट होता है जहाँ पे एजुकेटर गाइडेंस पेरेंट्स को भी देते हैं और पेरेंट्स के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो भी एजुकेटर से पूछ सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप समझ लो ऑनलाइन पेरेंट्स एंड टीचर मीट बट अनअकैडमी के एजुकेटर्स के साथ। इसके अलावा अनअकैडमी आपको एक स्टडी प्लानर भी बना के देगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और वो स्टडी प्लानर बेसिकली में पूरे मंथ में कैसे कैसे आपको चैप्टर्स कवर करने चाहिए, किस वीक में कितने चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए, टाइम पीरियड पूरा एक टाइम टेबल बना के अनअकैडमी पूरा पढ़ाई का प्लान बना के देगा ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं कि इस वीक में जितने मेरे चैप्टर्स कवर होने चाहिए क्या वो पूरे वीक में चैप्टर्स कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, या मेरा जो यू नो सिलेबस चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक पूरा आप अपनी स्टडी को अपनी पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हैं, जो कि यू नो फिफ्थ बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके अलावा जितने भी फीचर्स प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलते हैं वो सारे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिलते हैं। इट्स जस्ट दैट ये पांच बेनिफिट्स और बहुत सारे और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। अब अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो सारे रेट्स आपके स्क्रीन पर है, अलग अलग पैकेजेस स्क्रीन पर दिए हुए हैं, और अगर इन इतने जो मिनिमल रेट्स हैं अफोर्डेबल रीजनेबल रेट्स हैं अगर आपको इनको और कम कराना हो, यानी कि इन रेट्स पे भी अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10। अगर आप मेरा एक कोड यूज कर लेते हैं तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा, और ये कोड आपको ऐसे समझने की जरूरत नहीं कि मैम तो सिर्फ SST पढ़ाती है तो सिर्फ यू नो 7th स्टैंडर्ड के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप आगे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, या यू नो आपके कोई कजन्स हैं जिनको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप उनको भी ये मेरा कोड यूज करने को बोल सकते हैं, बिकॉज दिस कोड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कोर्सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास यू आर स्टडिंग इन। तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, और आपको जो है ये सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी लेना है। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एंड वहां पे आपको इजीली सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस वाज एंड ऑफ द चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 7। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी एकदम रेडी होंगे अनअकैडमी का, बिकॉज विद इन अ वीक आपको अपने रिजल्ट इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। Before going anywhere, please like this video, share this video amongst your friends, relatives, cousins, and subscribe to the Unacademy channel. Hit the bell icon to get the latest updates from the Unacademy channel. Together, you and us can crack any exam. So let's crack it with Unacademy. Thank you so much for watching this video.